तो सबसे पहली और सबसे लग्जरी कार है रॉल्स रॉयस फैंटम। तो अभी अपने शोरूम में सबसे ज्यादा महंगी कार ये है, बाकी इधर एक रेड कलर की नॉर्मल कार है। वैसे ये रेड वाली कार देखने में नॉर्मल सी लगती है, बट बहुत ज्यादा फास्ट कार है ये, निसान GTR टाइप। और ये जो पीछे खड़ी है ना ऑरेंज वाली, ये देखने में बहुत सुपर फास्ट लगती है, बट एवरेज स्पीड है इसकी। बाकी अच्छी बात तो यह है कि अभी अभी अपनी एक बहुत महंगी कार बिक गई है जो कि यहाँ पर खड़ी थी, रेंज रोवर। और भी अपने शोरूम में बहुत सारी बाइक्स, बहुत सारी कार्स आ चुकी है। अब जैसे जैसे बिकती जाएगी वैसे वैसे हम लोग नई कार्स लाएंगे और अमीर बनेंगे, बट बिकी नहीं रही। अपने पास मस्टैंग है, बेंटली है, फरारी है, और इस तरफ में ये देखो ये मस्त एक मर्सिडीज है। और सबसे क्रेजी कार अपने शोरूम की, अपने पास एक बहुत तगड़ी लैम्बोर्गिनी भी है, लैम्बोर्गिनी SVJ 63। लेकिन अरे भाई साहब, ये तू खरीदने आएगा गाड़ी, पहले कपड़े तो खरीद ले। यहाँ पर आके स्मोकिंग अलग कर रहा है, इसको भगाओ, बाहर निकल 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 यहाँ से बाहर। इसको भगाना पड़ेगा भाई, पता चला गाड़ी तोड़ वोड़ के अलग चले जा भैया, नुकसान हो जाएगा। वैसे हम लोग अमीर नहीं हो रहे हैं, जल्दी जाए, इतना टाइम लगाया, निकल यहाँ से। अरे ज्यादा तेज मारे, पुलिस को मत बता दियो भाई, पता चला कल ही शोरूम बंद हो रहा है अपना। बाकी हाँ गाइस, पुलिस से याद आया, आप लोग को याद होगा हमने मर्सिडीज की कुछ कॉन्सेप्ट सुपर कार्स चुराई थी, जिसे हम लोग अभी बेच नहीं सकते, क्योंकि अगर अभी बेचा तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए मैंने उन कार्स को कुछ ऐसी जगह पर छुपाया है कि बाय चांस अगर कोई GPS से भी ट्रैक कर आ जाएगा तो उन कार्स को नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि वो कार्स है इस शोरूम की बेसमेंट में, और वो बेसमेंट की एंट्रेंस है इस पिलर के अंदर से। मतलब देखने में ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल पिलर है, बट यहाँ पर है एक सीक्रेट दरवाज़ा जो कि जाता है नीचे, और इसके बारे में सिर्फ अभी मेरे को ही मालूम है। तो हमने लिफ्ट के थ्रू उन कार्स को नीचे ले गए और वहाँ पे ले जाके खड़ा कर दिया है। तो गाइज ये है बेसमेंट में वो जगह जहाँ पर मैंने अपनी उन कार्स को छुपा के रखा हुआ है। बट एक सेकेंड, पीछे से किसी के चलने का आवाज आ रहा है। उबे भाई, ये बंदा कहाँ से नीचे आ गया? फैंस किट बाहर निकल, फटाफट उठ उठ उठ, निकल यहाँ से, जल्दी जल्दी निकल। भाई दिमाग खराब कर दिया भाई इसने तो। मतलब कस्टमर है ठीक है यार, ऊपर ही रहे, बट प्राइवेट एरिया में क्यों आ रहा है यार? वो तो अच्छी बात यह है कि इसने हमारी इन कार्स को नहीं देखा जो कि मैंने यहाँ पर छुपा के खड़ी कर रखी है। तो ये है वो तीन मर्सिडीज की कॉन्सेप्ट सुपर कार्स जो कि हम लोग लास्ट टाइम उनकी फैसिलिटी, उनकी फैक्ट्री से चुरा कर लाए थे। अभी ये लॉन्च भी नहीं हुई है, उससे पहले ही हमने इसे चुरा लिया है। बाकी यहाँ पर और भी काफ़ी सारा स्पेस है जहाँ पर हम लोग लिफ्ट से कार को ला के रख सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर बेसिकली जो रेयर कार्स है ना, जो बहुत महंगी है, जिनकी चोरी होने का डर है, उन्हीं कार्स को यहाँ पर ला के रखेंगे। फटाफट अभी यार यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिपेयरिंग एरिया दिखाता हूँ, फिर चलते हैं वापस से घर पे डेकोरेशन वेकोरेशन करवाने क्रिसमस की। बाकी यहाँ पर एक सेकेंड, ये बंदा भी नीचे से पिट कर आया है और यहाँ पर आकर इधर लड़ाई कर रहा। तू भाई शोरूम से ही बाहर निकल। लगता है गाइस इस बारी मैंने शायद से इसके कुछ ज़्यादा ही तेज मार दी, बट हाँ यार ये है ही स्लैग। मतलब भाई प्राइवेट एरिया में, प्राइवेट पार्किंग में जाने की क्या जरूरत है? गाड़ी खरीदने आया, इतनी मस्त मस्त कार्स ऊपर खड़ी है, उसे खरीद। फिलहाल देखो ये अपनी वर्कशॉप जहाँ पर कार्स वगैरह मस्त एकदम रिपेयर होने के लिए आते हैं। इधर मर्सिडीज है और बेनी के साथ साथ और भी काफी सारे मैकेनिक्स यहाँ पर आ चुके हैं। बट एक सेकेंड, जिस बंदे को हम लोग ऐसे हल्के में लेके मार पीट रहे थे भाई, उसके पास मैक्लारेन सेना थी भाई। वो एक लिमिटेड एडिशन कार लेकर आया था, तो यानी पक्का कोई ना कोई अमीर बंदा होगा, यानी हमने थोड़ा सा अपने ही नुकसान कर लिया। हो सकता है वो कुछ ना कुछ महंगी कार्स यहाँ से खरीद के ज़्यादा, बट छोड़ो यार कोई बात नहीं, अभी इग्नोर करते हैं उसको। फिलहाल देखो ये है अपना बैक एरिया जहाँ पर कार जो भी रिपेयर होने के लिए आती है यहाँ पर खड़ी होती है। कुछ कुछ कार्स आई हो भाई, ये तो एकदम ही कबाड़ है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। बाकी ये पीछे अपनी खड़ी है मस्त फरारी प्राइवेट पार्किंग में। और वेट, ये कौन आ रहा है भाई सामने से ब्लैक कलर की जी वैगन लेकर और पीछे रेंज रोवर विलार? शायद से ये कोई अपना जान पहचान का बंदा। ओहो, तो बिग माफिया का भाई आज हमसे मिलने के लिए आया, बट क्यों पता करते हैं इससे। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल बिग माफिया के भाई से बात हो चुकी है और ये अपने पास कुछ बहुत ही ज्यादा डेंजरस बैड न्यूज लेकर आया है। मतलब ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि हमें मरवाना चाहता है। अब क्यों मरवाना चाहता है ये मुझे नहीं मालूम, बट उसने हमें मरवाने के लिए सभी गैंगस्टर्स को भर भर के पैसे दे दिए हैं। मतलब इसको भी पैसे मिले थे, बट ये तो अपना दोस्त है, इसलिए इसने हमें आके ये बात बता दी कि तुम्हें सेफ रहना होगा, स्पेशली आज के दिन, क्योंकि आज के दिन ही प्लान है उसे हमें मरवाने का। मेरे को यार लेकिन इसकी बातों पे पूरा विश्वास नहीं हो रहा है, तो ये कह रहा है कि मेरे पास इस बात को कंफर्म करवाने के लिए एक तरीका है। ये जो अपनी येलो वाली फरारी है, उस माफिया ने इसी फरारी कार को अपना टारगेट बना रखा है कि जैसे मैं इस गाड़ी में बाहर निकलूँ मेरे गोली मार दो। तो अभी मैंने प्रूफ के लिए मैं एक बंदे के पास जा रहा हूँ, उसको इस गाड़ी में बाहर निकालते हैं और बैठकर देखते हैं कि क्या कोई हमें मारने का ट्राई करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर वैसे मैं किसी को भेजना तो नहीं चाहता, बट अपने ऐसे कुछ
नए मैकेनिक्स है, ट्राई करने के लिए इन्हें भेज देते हैं, बट जो भी अगर सच हुई ये बात तो वो बंदा भैया मर जाएगा। बट हाँ यार, अपने पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बिग माफिया के भाई के पास चल कर एक बार उससे पूरी बात करते हैं और मुझे कन्फर्म करना होगा यार आखिरकार कौन बंदा है जो हमें मरवाना चाहता है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने अपनी एक मैकेनिक को अपने जैसा सेम आउटफिट दे दिया है, प्लस इसका फेस कवर करने के लिए इसको एक मस्त हेलमेट पहना दिया है। अब फटाफट से इसको इस येलो वाली फरारी कार में भेजते हैं और देखते हैं कि कोई इसे मारने का ट्राई करता है या फिर नहीं। अगर कोई इसे मारता है तो इसका मतलब बिग माफिया का भाई सच कह रहा है, यानी हमें कोई ना कोई माफिया किल करना चाहता है। फिलहाल अभी ये अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल रहा है। मैंने अपने लिए दूसरी सुपर कार मंगवा ली थी अपनी।